नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ राजेश। आप जो देख रहे हैं फार्मर हेल्पिंग चैनल। इस वीडियो में जो बात करने वाले टाटा कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है टाटा मीठा कीटनाशक के बारे में। टाटा मीठा जो कीटनाशक है इसमें कंटेंट क्या रहता है, इसका कौन कौन सी सब्जियों का खेती बारे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट कितना दिन का अंतराल में आपको मिल जाएगा, और उसका पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए, उसका तो दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगा। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किसान भाइयों, जो टाटा कंपनी का बेस्ट कीटनाशक है जो होता है टाटा मीठा कीटनाशक है, इसमें जो कंटेंट रहता है इमिडा क्लोराफाइड 17.8% SL कंपोजिशन वाला दवा है, जो बेहतरीन काम करने वाला दवा है। इसका मार्केट में आप दूसरा कोई भी कंपनी का इमिडा क्लोराफाइड या इस कंपोजिशन वाला दवाई मिल जाता है, लेकिन जो टाटा कंपनी का टाटा मीठा है बेहतरीन, इसको आप एक साथ इतना कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद। आई बात करने वाले टाटा मीठा जो कीटनाशक है मुख्य रूप से कौन कौन सी खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, गेहूँ, गन्ना, मक्का, इसके अलावा कपास, धान का खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे बीन्स का खेती बारी में, इसके अलावा जैसे आपका सिम का खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद जो केरला का कीड़ा का खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगा। लगभग हर सब्जियों का खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आपका मिर्च, टमाटर, कपास, मूंगफली का खेती बारी में हर किसान का क्या समस्या होता है, जैसे पत्तियों में मुड़ने वाली बीमारी हर किसान का समस्या होता है। मुड़ने वाली बीमारी क्यों आते हैं पत्तियों में, जैसे एपिड, जेसिड, ड्रिप्स, सफ़ेद मक्की, इसके अलावा जैसे वायरस, लीफ काल इंसेक्ट का वजह से पत्ता मुड़ने वाली बीमारी हर किसान का समस्या होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इमिडा क्लोराफाइड कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 17.8% बेहतरीन काम करने वाला दवाई है पत्तियों मुड़ने वाली जो बीमारी आते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा जैसे हर किसान का क्या समस्या होता है, माइट का वजह से भी कुकरापन का बीमारी आता है पत्तियों में, इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आई बात करने वाले इसका इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन सी कीड़ों को आप नियंत्रित कर सकते हैं टाटा मीठा कीटनाशक इस्तेमाल करने के बाद। इसका इस्तेमाल करने के बाद जैसे लगभग साकिंग पेस्ट जो चूसने वाली कीटों आते सब्जियों का खेती बारी में हर किसान का समस्या होता है, इसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान के भाई को क्या समस्या होता है, थ्रिप्स, एपिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई कीड़ा का हर किसान का समस्या होता है, मकड़ी का वजह से भी फसल खराब हो जाता है, इसलिए भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टाटा मीठा कीटनाशक। टाटा मीठा जो कीटनाशक है जो होता है सिस्टमिक कीटनाशक है, इसलिए इतना रिजल्ट भी बेहतरीन मिलता है स्प्रे करने के बाद। आई बात करने वाले इसका डोसेज कितना छिड़काव करना चाहिए टाटा मीठा कीटनाशक का। इसका डोसेज लगभग 1 ml से 1.5 ml तक पर लीटर, मतलब प्रति लीटर पानियों में आप स्प्रे कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन किसान भाइयों, आपको एक ध्यान देना है, इमिडा क्लोराफिल जो होता है SL कंपोजिशन वाला दवाई भी मिलते हैं, WG जो होता है धनाधार प्रोडक्ट भी मिलता है, लेकिन धनाधार जो प्रोडक्ट होता है इमिडा क्लोराफाइड का, इसका डोसेज थोड़ा सा कम करके देना चाहिए। और जो होता है इमिडा क्लोराफाइड SL कंपोजिशन वाला दवाई, इसका डोसेज 1 ml से 1 ml से 1.5 ml तक प्रति लीटर पानियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात करने वाले पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए, दूसरा स्प्रे लगभग 10-12 अंतराल में आपको दूसरा स्प्रे भी आपको सब्जियों का खेती बारी में आप इस्तेमाल करना चाहिए टाटा मीठा कीटनाशक का। इसका तो दूसरा कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं है, इसका जो रिजल्ट भी बेहतरीन मिलता है कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए। वायरस, लीफ काल इंसेक्ट जो होता है इसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं टाटा मीठा कीटनाशक इस्तेमाल करने के बाद। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो बात किया था टाटा मीठा कीटनाशक के बारे में जो होता है टाटा कंपनी का प्रोडक्ट, इसका इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन सी कीड़ों का आप नियंत्रित कर सकते हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए, फूल आने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नर्सरी से जो पौधा होता है इस पौधे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। किसान भाइयों, टाटा मीठा कीटनाशक के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी जरूर कर सकता है।